हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मैं लेकर आया हूं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपको केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम आती है और साड़ी आप देखते होंगे तो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कहाँ कहाँ पर धातु है, कहाँ पर अधातु है और कहाँ पर उपधातु है। मतलब धातु और अधातु और उपधातु को पहचानने के तरीके को मैं लेकर आया हूँ। आप और साड़ी में सभी को पहचान सकते हैं आसानी से, एकदम नाम पढ़ कर ही पहचान जाएगी। अगर आपको नहीं भी पता है, नाम केवल जान लेंगे ना तभी भी बता देंगे आपका ये धातु है या अधातु है या कोई मतलब क्या चीज़ है। और यहाँ पर हम पूरे डिटेल भी देंगे धातु को में क्या क्या चीज़ें होती हैं, धातु का और साड़ी में कैसे क्या घटता है बढ़ता है और उपधातु में क्या होता है और अधातु में क्या होता है। तीनों चीज़ें एकदम क्लियर आज आपका हो जाएगा। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिली होगी, तो आप इसको पूरी तरीके से देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा, इसके स्क्रीन शॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। वहाँ पर आप जाएंगे तो एक बार आप कमेंट कर देंगे तो वहाँ पर आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर पर हमें चैट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है ना वो 9792506169 मेरा नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है आपको, ओनली चैट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपको प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में है आपको बहुत सारी अपनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए धातु और अधातु को जानिए, साथ ही साथ उपधातु या अर्धचालक क्या होते हैं तो पहचान हमेशा के लिए पहचानना है। और ये जो केमिस्ट्री का सभी के लिए है टॉप वन क्लास है और इसमें आपको 9th से लेकर 12th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल भी अगर आप हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर धातु है, यहाँ पर अधातु है, ठीक है। अब धातु आपको पता है या फिर धातु क्या होता है, मेटल नॉन मेटल ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए धातु जो होती है वो उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, उस धारा प्रवाहित होती है, चालक होते हैं। उसमें धारा क्या होगी, बहेगी। मतलब धारा अगर उसमें हम विद्युत करंट देंगे तो क्या होगा, धारा उसमें चलेगी, बहुत तेज़ी के साथ चलेगी। तो धारा चालक होती है, साथ ही साथ आपका चालक होता है, मतलब धारा प्रवाहित होगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। एक कंडीशन इसकी और है कि धातु जहाँ कहीं भी रहेंगे, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे या जो आपस में जो भी तत्व से क्रिया करेंगे उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। एक पहचान ये हो गई, आप पहचान ही जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको हाइड्रोजन मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन त्यागता है कि लेता है तो आपको पता है तो नहीं। और अगर आप कोई और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिथियम देखते हैं तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। तो लिथियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका मतलब वो क्या है, धातु है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो धातुओं में होती है, एक पॉइंट ये हो गया। बाकी तो मैं यार ट्रिक से बता देंगे कैसे आपको पता चल जाए कि धातु है धातु, लेकिन यहाँ पर पहले समझिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, धारा प्रवाहित होगी, धारा बहेगी, चालक होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर चमकयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके कारण, वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा। धातु कहीं पर भी रही वो चमकयुक्त होगी, मतलब उसमें चमक होगी तो वो आपको क्या होगी, धातु होगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण ऐसा होता है। और यहाँ पर कठोर भी होगी, धातु क्या होगी, कठोर होगी, ठोस होगी, कठोर होगी, ठोस होगी और उसके साथ साथ तन्य भी होगी। अब सोचेंगे तन्य क्या होती है, तन्य ऐसा चीज़ होती है जिसको आप किसी भी मशीनरी सिस्टम से या गला करके या किसी तरीके से आप उसको गर्मा करके, गला करके या उसको ठोक पीट करके उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर लें, पतला सा उसको बढ़ा लें तो यह होता है तन्य। तो जो भी धातु तन्य जिसमें गुण पाया जाए उसे तन्यता, मतलब ऐसी कंडीशन को, ऐसी क्रिया को तन्यता बोला जाता है। तन्य का मतलब उसको बढ़ा करके लंबा कर लिया जाए। तो और अघार्तवर्धनीयता होती है, अघार्तवर्ध होता है, अघार्तवर्ध उसके बाद है। तो अघार्तवर्ध क्या होता है कि मतलब जब उसको हम पीट पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर लें, तो मतलब आप कई भी धातु देखे होंगे उसको आप कन्वर्ट करके कि तार के रूप में बना लेते हैं, जैसे तो वायर वगैरह होता है ना, जैसे तार के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, धातुएँ होती हैं। और उसको अगर हम पीट पीट करके कोई चादर के रूप में बना लें, किसी चाहे स्टील की चादर, किसी की चादर देखते हैं आप और लोहे की चादर, तो क्या होता है, सब धातु की बनी होती है। तो इसका मतलब ये पहचान भी होती है, तन्यता तन्य होती है, अघार्तवर्ध होती हैं, ठीक है। ठोस कठोर ये तो होती हैं और उसके साथ साथ आपके घनत्व। अब इसमें देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसमें है कि घनत्व, गलनांक, बिंदी यहाँ पर गलनांक, ध्वनि, मतलब जो घनत्व होगा वो घनत्व बढ़ता है, गलनांक क्या होता है बढ़ता है और ध्वनि क्या होती है इसमें बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा तीनों चीज़ इसमें एरो का चिन्ह लगा हुआ, इसमें बढ़ता है। उसके साथ आनंद विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता,
विद्युतात्मकता ये क्या होती हैं, घटती हैं, और कंडीशन के हिसाब से आवर सारणी में ये चीज़ें इधर बढ़ती हैं और इधर घटती हैं। ये चीज़ें जितनी हैं इसमें इधर बढ़ता है और ये नीचे में घटता है, मतलब आवर सारणी आप देखेंगे तो इधर आप जाएंगे दाहिने साइड तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और इधर आप नीचे साइड जाएंगे तो क्या चीज़ें होंगी, घटेंगी। तो उसके साथ साथ चलिए इसमें जलवायु में रहने पर, अगर इसको हम जलवायु में रखते हैं, धातु को अगर जलवायु में रखते हैं तो क्या होता है, संक्षारित हो जाती है, मतलब संक्षारण इसमें हो जाता है। संक्षारण क्या होता है कि जैसे जंग लगना, मतलब उसको नष्ट करना, संक्षारण मतलब वो नष्ट होते जाना। तो और ये सब चीज़ कैसे होती है, ऑक्सीजन से मिल करके, मतलब नमी के कारण ऑक्सीजन ऑक्साइड बना देता है, मतलब O2 से क्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, O2 से क्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। तो ये हो जाता है, संक्षारण भी होता है, धातु का संक्षारण होता है, ये भी पहचान हो गई। पहचान को आप ध्यान देते जाइए, बाकी आप पहचान भी लेंगे। और पारा इसमें, अब इसमें पारा एक आता है, धातु एक होती है आपका पारा, एक ऐसी धातु है जो आपका ठोस ना होकर के द्रव होती है, इसका ऑब्जेक्शन हो गया, सॉरी एक्सेप्शन जो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हो गया मतलब अपवाद हो गया, अपवाद के रूप में आपको पारा ले सकते हैं। पारा क्या होती है, द्रव होती है, धातु मतलब ठोस नहीं होती है, ठीक है, कोई भी बोले पारा आप उदाहरण ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, जो बहुत अधिक पाई जाती है पृथ्वी पर, वो एल्यूमिनियम होती है। उसके साथ साथ आपका मैग्नीज है, ठीक है, ये आपका क्या होती है, इसमें आपका शरीर में बहुत कम होती है, ये शरीर में कम पाई जाती है। और सोडियम जो है, ये आपका सोडियम एक ऐसी धातु है जो केरोसिन में डुबो कर रखी जाती है, जिससे कि वो क्रियाशील होती है, बहुत क्रियाशील होती है, और क्रियाशील होने के कारण क्या होता है कि उसे ऑक्सीजन से बचाया जाए, जिससे कि उसमें अभिक्रिया ना हो और कोई गलती ना हो। तो ये केरोसिन में मतलब डुबो करके रखा जाता है, क्या, सोडियम। और यहाँ पर अब देखिए अधातु आता है, अधातु में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। अब कोई ऐसा आपको तत्व तो लिया जाए जब इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल मतलब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो भी तत्व आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसका मतलब वो अधातु है, और इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका मतलब वो धातु है। इस तरीके से तो अपन समझ सकते हैं। और एक बात था, उसमें चालक थी, विद्युत धारा बह रही थी, इसमें विद्युत धारा जो है कम मात्रा में बहेगी, मतलब एक कुचालक होता है, क्या होता है, उस कुचालक से एक कुचालक होता है, और उसके साथ साथ कुचालक यानी मुलायम होता है, वो कठोर होता है लेकिन ये मुलायम होता है। ग्रेफाइट जो है इसमें, ये आपका अधातु में धारा चलता है, इसमें क्या है, ग्रेफाइट ऐसा धातु है इसमें कि धारा प्रवाहित होती है तेज़ी के साथ। और यहाँ पर आपका हीरा है, हीरा जो है इसका ऑब्जेक्शन है, सब मुलायम होते हैं अधातु पर हीरा कठोर होता है, ठीक है, कठोर। तो ऑब्जेक्शन मतलब एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो गया, सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पता है क्यों, अब बोला जाए सी को का बोला जाता है, नहीं यार सी को सा भी बोला जाता है, मतलब यार एक्सेप्शन तो होता ही है, सभी में होता है अपवाद। जल तथा वायु में रखने पर प्रवाहित नहीं होती है, उसमें अर्थात जल में वायु में रखें मिलाकर ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इसमें का फास्फोरस अधातु जो होता है ये थोड़ा सा अलग हो तरीके से होता है, क्योंकि फास्फोरस का लाल फास्फोरस हो गया, उसके पास सफ़ेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस जो होता है आपका माचिस में प्रयोग किया जाता है, माचिस में देखे होंगे आपका तीली में उसमें लगाया जाता है लेप, जिससे कि रगड़ करके आपको फास्फोरस जलाया जाता है। और एक फास्फोरस होता है सफ़ेद, सफ़ेद वाला फास्फोरस आपका और घातक होता है, जिसको हम H2O में मतलब जल में डुबो करके रखते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्रियाशील होता है, ये क्या होता है, क्रियाशील होता है, ये क्रियाशील होता है, इसलिए कि जलने से बचाने के लिए इसे हम जल से डुबो कर रखते हैं, ये बहुत क्रियाशील होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उपधातु अर्धचालक, अब धातु धातु समझ गए, अब उपधातु समझते हैं, उपधातु क्या होती हैं, जो उपधातु में आप देखेंगे चिप्स इन सब में, PCB ये सब में बनाने में जो प्रयोग होती है, जो धातु और अधातु मिलकर के उपधातु बनाई जाती है, धातु और धातु को मिलाने से उपधातु बनाई जाती है, तो इनको मिलाने से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो आपका उपधातु हो गई। अब विद्युत कम मात्रा में, इसमें विद्युत जो होते हैं कम मात्रा में प्रवाहित होती है, मतलब चलती है, ये आपका सिलिकॉन हो गया, बोरान हो गया, जर्मेनियम हो गया, पोलिनियम हो गया, और एस्केंडियम हो गया, इस तरीके से हैं। पृथ्वी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, जो पृथ्वी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें क्रम से बढ़ते हुए, कैसे कैसे सब ज़्यादा ये है, उसके बाद ये है, ये तो क्रम होते हुए मैं क्रम में यहाँ आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका यौगिक, कुछ यौगिक होते हैं जो जिससे कि H2O, CO2, CH4 इस तरीके से यौगिक होते हैं। अब इनमें से कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई अकार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक में जैसे आपका CO2, CH4 और यहाँ पर C2 और आपका C2H5SH है। उसके बाद अकार्बनिक यौगिक में H2O, SO4, SO2 और NO2 और N2O,
तो इतने आपके ये अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें आपका ये अर्धचालक और उपधातु होती हैं। उपधातु कोई आपका अधातु और अधातु को मिलाने से बनता। अब बात आती है कि धातु और अधातु को पहचाने कैसे, और साड़ी में पहचाने की सबसे बढ़िया ट्रिक, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ें। वीडियो को क्या करना, इसी बात पर आपको लाइक अभी के अभी कर देना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, अगर ये चीज़ें कम समझ में अभी देख लेना, पहचान की जो ट्रिक पता चलेगी उससे आपको कोई रहाइश न रहे तो क्या करिएगा, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करने के बाद आप चैनल को आगे प्रोग्रेस कराने के लिए आपको क्या करना है, अपने बड़े से बड़े ग्रुप में शेयर करना है और उसके साथ कमेंट अच्छा अच्छा कर देना है। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसमें मोबाइल हम ऐसे बेसिक चीज़ें देते हैं, मोबाइल के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल की जो भी चीज़ें आपको फंक्शनल, आपको जो भी मिस्टेक होती है उसकी आप कमेंट करना, हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे अपने मोबाइल वाले चैनल पर। मोबाइल चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। प्लीज़ इसी को सब्सक्राइब करो मत जाइए, उसको भी सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताते हैं धातु। मैंने बोला धातु, धातु कैसे पहचाने, जिस तत्व, ऐसा तत्व जिसके नाम में लास्ट में, जिसके नामकरण के लास्ट में यम लगा हो। क्या लगा हो? यम। यहाँ पर देखिए यम लगा हो और यहाँ पर देखिए अधातु में ना लगा हो। धातु में आपका यम लगा होगा, अधातु में आपका ना लगा होगा, ठीक है। यम तो सभी में लगे रहते हैं लेकिन कोई एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में, जैसे आपका हीलियम है, हीलियम में यम है लेकिन आपका ये एक्सेप्शन में है, इसको हम धातु नहीं माने। तो इस तरीके से देखते हैं, बाकी सभी आप देख लीजिए। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, सभी देखते जाइए। यहाँ पर टाइटेनियम, पैंडियम, क्रोमियम, गैलियम, रुबिडियम, स्टानशियम, एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, रोडियम, पैल्डियम, कैडमियम, देखते जाइए। इंडियम, सिलियम, बेरियम, पोलियम, थैलियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, सभी में देखिए यम लगा हुआ है। अब यम लगा हुआ है तो इसका मतलब यम लगा हुआ है तो क्या है, वो धातु है। क्या है आपका? वो धातु है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अब बचता है धातु। अधातु में बोला गया है यन लास्ट में लगाओ, यन लास्ट में लगा। देखिए हाइड्रोजन में ना लगा हुआ है, मतलब ना लगा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन ना, बोरान ना, कार्बन ना, ऑक्सीजन ना, सभी में देखिए क्लोरीन ना, फ्लोरीन ना, ब्रोमीन ना, फास्फोरस स्ट्रक्चर में है, फास्फोरस में शायद, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पर आपका था यहाँ बहुत ही घातक, तो ये भी आपको समझ लेना है कि फास्फोरस भी हमारा धातु। और उसके बाद आप देखिए ब्रोमीन ना, फास्फोरस, नियॉन में ना, ऑर्गन में ना, क्रिप्टन में ना, रेडान में ना, जेनान में ना, सभी में ना, तो क्या है, ये अधातु है। अब बताइए क्या कन्फ्यूजन, धातु अधातु पहचान गए ना, शायद पहचान गए। तो मैं बोलता हूँ कि इसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब यार कर दीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल बने। मैं रात के करीब 11-12 बजे वीडियो बना रहा हूँ और बहुत गर्मी है, मैं अपने चेहरे को साफ करके मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को कामयाब बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करना और आपको प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। हमारे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, कैलकुलेशन कैसे करें, तो कैलकुलेशन की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ की सोल्यूशन और साइंस, फिजिक्स, साइंस, न्यूमेरिकल ट्रिक सॉल्यूशन, साथ साथ कैलकुलेशन पक्षांतर की वीडियो जरूर, मतलब तीन प्लेलिस्ट देखिए आपको कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है आपका स्पोकन इंग्लिश की, और साथ ही इंग्लिश फॉर ऑल, ये दो प्लेलिस्ट और है, उसको जरूर चेक कर लेना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हमारे चैनल पर परफेक्ट आपको मिलेगी, जो भी आप सभी विषय में कमज़ोर हैं तो आप पा जाएंगे। ओके, चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं बंद और यहीं पर करते हैं स्टॉप। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहाँ से। ओके, थैंक्स।